दोस्तों आपने भी कोई गाड़ी खरीदी है, किया की सेल्टोस या फिर किया या फिर हुंडई की क्रेटा? मैनुअल तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। ये हमारी जो सेल्टोस है ये फेज टू गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर सीएनजी का इंस्टॉलेशन किया है। ये आईवीटी इंजन में आती है। किट कौन सी लगाई है, किसके अप्रूवल्स का क्या सीन है, वो मैं सारा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ब्लैक कलर की बहुत शानदार गाड़ी है, टॉप मॉडल है गाड़ी का। इस गाड़ी के अंदर जो सीएनजी का इंस्टॉलेशन किया है वो है लवेटो COBD2। सेल्टोस के अंदर मीजो के भी अप्रूवल है और लवेटो के भी अप्रूवल है। क्या क्या पार्ट्स साथ में लगाया है, कैसा काम किया है, वो सारी इस वीडियो में कवर करने वाला हूं मैं। अगर हम बात करते हैं कि माइलेज की, तो पेट्रोल पे दोस्तों इस गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा नहीं है। पेट्रोल पे सिटी के अंदर 8 से 9 का और हाईवे पे आपका 12-13 का माइलेज निकाल के देती है। लवेटो COBD2 जो किट है वो 4 इंजेक्टर में भी आती है और 8 इंजेक्टर में भी आती है, बट इस गाड़ी के अंदर हमने लगाए हैं 8 इंजेक्टर्स। आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग गाड़ी में काम हुआ है। जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी वायरिंग पर ट्रिपल लेयर में कन्वर्ट किया है। जितने भी जॉइंट्स हैं सारे जॉइंट्स पर क्लैंपिंग की हुई है। डबल स्टेज रिड्यूसर है और ये रिड्यूसर लवेटो का सबसे हाई एंड रिड्यूसर है, बहुत अमेजिंग रिड्यूसर है। इस गाड़ी के अंदर हमने कोई कूलेंट के कनेक्शंस नहीं किए हैं क्योंकि इसका ECM बहुत यूनिक है, आपको टेम्परेचर की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। डायनेमिक एडवांसर एक अलग से लगाया हुआ है क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी हैवी है, वेट थोड़ा ज़्यादा है गाड़ी का, तो एक फील देने के लिए इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाया है। अगर हम बात करते हैं बैक साइड से कि इस गाड़ी में स्पेस कितना निकल के आता है, तो स्पेस जो है इस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया निकल के आया है। स्विच की प्लेसमेंट कहाँ की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखिएगा 12 किलो का टैंक इसमें लगवाया है और जो वॉल्व है वो भी बहुत हाई क्वालिटी वॉल्व, एमर का वॉल्व लगाया है। नीचे की तरफ इनका जो टायर है वो नीचे की तरफ रखा हुआ है। अब इस गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव भी लेंगे और टेस्ट ड्राइव में ये देखेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है। वैसे जो इस कार के ओनर हैं वो इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया है उन्होंने और एक एक्सपेक्टेशंस थी भाई CNG बहुत कॉस्टली किट लगी है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि जो लवेटो ये COBD है ये सबसे महंगी किट है। इसमें 8 इंजेक्टर भी आती है और 4 भी, जैसे मैंने बताया था आपको। साथ में डैम्पिंग का भी काम कराया है और शायद पीछे वाला वॉल्व भी इसमें हमने ऐड किया है क्योंकि कस्टमर को चाहिए था कि मेरे को जो है बोनट खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे बोनट को नहीं खोलना है। तो इस गाड़ी के अंदर बैक फिलिंग वॉल्व भी लगाया हुआ है। आप देखिएगा कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर बैक फिलिंग वॉल्व लगाया है, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी होगी तो मज़ा भी आता है। इस कार के ओनर ने इस गाड़ी को ड्राइव किया है और 3 से 4 किलोमीटर की ड्राइव हुई है। गाड़ी में किट लगाने में हमें 5 घंटे लगे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमने IVT गाड़ी है तो एक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी कि चलने में पता नहीं कैसी होगी। तो सर इसी टाइम आपका स्वागत है, क्या नाम है सर आपका? पारस कुमार सर। पारस जी कहाँ से आए आप? मैं रोहिणी से आया हूँ। रोहिणी से आए, तो कैसा काम हुआ गाड़ी के अंदर? काम बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, फर्स्ट क्लास, जैसा सोचा था उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा काम हुआ है। और छोटी छोटी चीजें जो आपने मेरे को इम्प्रूव करवाई, कि जो मैं सोच रहा था कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, उसमें आपने जो गाइड किया वो बहुत अच्छा किया सर। और चलने में गाड़ी कैसी चल रही है? चलने में पता ही नहीं लग रहा कि ये पेट्रोल में चल रही है या फिर CNG में चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोचता था कि 1% लैग आएगा मेरी और गाड़ियों में, थोड़ा सा लैग है, 2 कार और है मेरे पास, उन दोनों में थोड़ा सा लैग आता था, लेकिन आपकी इस कार के अंदर मेरे को 1% का लैग फील, मजा आ गया। बल्कि वे दोनों भी आप इन्हें करनी है आप दोबारा। सबसे ज्यादा इस गाड़ी में अच्छी चीज आपको क्या लगी, भाई मेरे को ये मजा आ गया यहाँ करा के? सबसे बढ़िया नीट एंड क्लीन फिनिश, वो तो सारे के सारे वर्कर अपना काम जानते हैं, उन्हें पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी के पीछे भागना, किसी की कोई सिरदर्दी नहीं, सारे जिम्मेदार बच्चे हैं। कोई एक चीज बोलना चाहोगे, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा, ये पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा? वो मेरे को लगा जो इसका CNG और पेट्रोल कन्वर्ट का जो स्विच होता है ना, वो उसकी जो प्लेसमेंट हुई है ना वो बहुत अच्छी जगह हुई है। देख लेते हैं प्लेसमेंट कहाँ हुई है, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि गाड़ी चलने में तो खैर बढ़िया है, बट ये भी होना चाहिए कि गाड़ी के अंदर जो चीजें लगी हैं वो अच्छी जगह लगी हुई। ये देख सकते हैं IVT है और इसका जो स्विच है बहुत जगह, मतलब बहुत बढ़िया जगह स्विच लगा हुआ है। इसको सिर्फ ड्राइवर ही देख पाएगा, साथ में कोई पीछे की सवारी हो या फिर कोई साइड में बैठा हो इसको देख नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम हुआ है गाड़ी के अंदर। अगर हम बात करते हैं माइलेज की, तो देखो तो माइलेज का तो बाद में पता लगेगा कि माइलेज कितनी निकल के आई है।
तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।